Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मल्हार की सूझबूझ से सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ और दिल से आप सबको कहती हूँ हैप्पी दिवाली। जी हाँ दोस्तों, तो आप सबको खुशी मिली है, सबको खुशी मिली है इन द सेंस की जो खंडेराव को बहुत पसंद करते हैं, अहिल्या को बहुत पसंद करते हैं, उनको तो डेफिनेटली खुशी मिली है क्योंकि जिस राजपुताना मुहिम के लिए इतने दिनों से चर्चा चल रही थी वो राजपुताना मुहिम का जो चार्ज है वो खंडेराव को मिल गया है दोस्तों। तो इसके ऊपर बात करते हैं, मल्हार सरकार की इस राजनीति के ऊपर बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मल्हार सरकार को लेके बहुत सारी बातें होती हैं, कई बार हमारे कमेंट्स में भी होती हैं कि ये नहीं पता चल रहा, वो नहीं पता चल रहा, ऐसा क्यों है, दुश्मन सामने है दिखता नहीं है। तो आपको याद होगा एक वीडियो में मैंने कहा था ये सब चीजें हम देख रहे हैं कि वो ऐसा उनको दिख नहीं रहा है, मगर कभी भी फैसला उनका जो होता है वो दुश्मनों के हक में नहीं जाता है। इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे राज ये है दोस्तों कि जो बात वो गंगूबा को कह रहे थे कि खंडेराव को कूटनीति, राजनीति और दूरदर्शिता होनी चाहिए, वो सारे के सारे गुण मल्हार सरकार में है। आप लोगों ने पक्का नोटिस किया होगा क्योंकि हम और आप अब बहुत अच्छे से अहिल्या को समझने लग गए हैं, इस सीरियल को समझने लग गए हैं। तो जैसे ही दरबार लगा वैसे ही गुनू जी और धना जी को लग रहा था कि हमारी अनाउंसमेंट होने वाली है, खुश थे बहुत ज्यादा, मगर अनाउंसमेंट ही नहीं हो पा रही थी। पहले कार्रवाई शुरू करने के लिए उन्होंने खंडेराव की तरफ देखा, फिर उन्होंने कहा कि टुकू जी को कार्यवाही शुरू कर दी जाए, कार्यवाही शुरू हो गई, बातचीत हो गई, फिर वेट कर रहे हैं और फिर कहते हैं टुकू जी की सरकार सब लोग आपके निर्णय की वेट कर रहे हैं। अब ये वेट करने वाला जो चक्कर था वो क्या था? आपको जरूर इस बात का हिंट मिल गया होगा क्योंकि ये मुझे जो लगता है, मैं अपनी समझ से ही हमेशा बात करती हूँ, क्योंकि ये पूरी पूरी राजनीति का ही खेला था, क्योंकि कहीं ना कहीं खंडेराव को लेके उनको भी पता है कि ये जो है सक्षम है इस मुहिम के लिए, मगर जो थोड़ा सा उनके मन में था वो जरूर वो पेशवा की तरफ से वेट कर रहे थे कि वहां से ऐसा कोई संदेश आए जिसको कोई भी ना टाल सके, कोई भी ना कह सके कि अब खंडेराव नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए वो इंतजार कर रहे थे और वो इंतजार खत्म हुआ और पेशवा के जो सैनिक थे वो आए वहां पे संदेश लेके और उन्होंने वो संदेश पढ़ा जिसमें पेशवा जी ने कहा था कि खंडेराव को ही भेजना चाहिए, उन्होंने सुझाव दिया था। अब जो बड़ा बॉस जब ये सुझाव दे रहा है तो खंडेराव के लिए जो उन्होंने बड़े प्यार से भेजा है उसको सूबेदार जी कैसे मना कर सकते हैं? तो वही हुआ। फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से एक और कौड़ी चली, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि दरबार से पूछ लेते हैं क्योंकि ये तो मल्हार सरकार को भी पता है कि पूरी प्रजा में खंडेराव की तारीफों की चर्चा है, लोग तारीफ करते हैं, लोग बोलते हैं कि खंडेराव जिस तरह उन्होंने तारापुर किले को जीता है, पुर्तगाली सेना को हराया है, उसकी चर्चा तो हर दरबारी हर सरदार के मुंह पे है, उनकी तारीफें हैं। तो उनको कहीं ना कहीं पता था कि अगर मैं ये वाली बात भी कहूंगा तो काफी सारे लोग उनके हक में होंगे और वही हुआ दोस्तों कि सारे दरबार में कुछ 5-6 लोगों को छोड़ के बाकी सब ने कहा कि खंडेराव को ही राजपुताना मुहिम में जाना चाहिए। अब इसके दो फायदे हुए आपको मैं बताती हूँ, दो फायदे हुए जो मल्हार की राजनीति को लेके, मल्हार सरकार की राजनीति को लेके जरूर कहना पड़ेगा और कैसे वो इंसानों को समझते हैं। दो फायदे ये हुए, एक तो राजपुताना मुहिम के लिए सही सेनापति का चुनाव हुआ, दूसरा ये हुआ कि खंडेराव के अंदर जो कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, दोनों काम हुए और खंडेराव खुश हो गए, सब लोग खुश हो गए। तो ये जो दूर की जो सोची है मल्हार सरकार ने, जिस तरह से उन्होंने सोचा है ऐसे उनसे गुनू जी भी शिकायत नहीं कर पाएंगे कि आपने मुझे नहीं भेजा, आपने मेरे से बात की थी, आपने कहा था कि मैं जाऊंगा, वो जावेद साहब भी नाराज नहीं होंगे और अपने बेटे बेटा भी नहीं मतलब युवराज जो काबिल हैं उनको उन्होंने राजपुताना मुहिम के लिए चुन लिया जिनका जाना जरूरी था, जिनका जाना ही बनता था। तो हो गया ना, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। क्या कहते हो आप? कमेंट करके बताइए, देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।